एलजेब्रा का जितने भी फार्मूला था इसमें हम सब डाल दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, जितने भी था इसमें सब डाल दिए हैं। आप लोग अच्छे से एक बार बढ़िया से इसको सभी को याद कर जाइए। कह देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, कॉमन भी ले सके इसको कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से और दो तीन को हम लोग निकाल सकते हैं इस पर आधारित। फिर ए प्लस बी का होल क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए बढ़िया से ध्यान से इस वीडियो को और याद कर जाइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू भी है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू कहेगा तो ए माइनस बी का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप लोग अच्छे से एक बार बढ़िया से इसको उधर जरूर देख लीजिए और याद कर जाइए। जितने भी फार्मूला इसमें था जेब्रा वन सभी इसमें डाल दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको याद कर जाइए। ये जो हमेशा आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी जब तक पढ़िएगा तब तक इसको हमेशा ध्यान में रख ले रहना है। इससे हमेशा हर एक एग्ज़ाम में सेवन से लेके जब तक एग्ज़ाम दीजिएगा पढ़िएगा तब तक ये काम देते रहेगा। अगर ना हो तो कॉपी में इसको लिख भी लीजिए, कॉपी में इसको लिख भी लीजिए अच्छे से।